हाय फ्रेंड्स, अंकुश हियर। और आज हम लोग कर रहे हैं अनबॉक्सिंग वन प्लस नाइन आर की। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अनबॉक्सिंग किया था MI 11X का, तो ये मैंने मंगाया था फ़ोन अभी एक वीक पहले। तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बट हम पबजी जब खेल रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें लैग हो रहा है। और खासकर जब लाइव स्ट्रीमिंग में कर रहे हैं, तो हमने प्लान किया कि एक बार ट्राई करते हैं इस नए फ़ोन से जो है वन प्लस का। ऑलमोस्ट अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो फ़ोन है उसका भी 87 है आपका, देखा जाए तो स्नैपड्रैगन, और ये फ़ोन का भी स्नैपड्रैगन 87 है। बट हो सकता है कि कंपनी डिफरेंट होने के कारण हो सकता है कि कुछ एक हमको एडवांटेज मिले, और वन प्लस काफ़ी अच्छा रिव्यू है इस फ़ोन का। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो अगर आप देखेंगे तो पैकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी 9R वन प्लस, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है, इसमें मेरे ख्याल से फ़ोन, पावर एडाप्टर, सी टाइप केबल, ये सब चीज़ें हैं अवेलेबल इसमें। ओपन होने के बाद ब्यूटीफुल फ़ोन, ये फ़ोन है इसका, और देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें आपके पास एक एडाप्टर चार्जर, इसका आई गेस इसका जो वो है आपका 65 वॉट का, और ये आता है आपको एक प्रीमियम केबल इसमें, सी टाइप केबल। और इसमें आया आपके पास एक कवर, और बाकी है आपका एक बैक कवर है, और बाकी इसके यूजर्स मैनुअल है इसमें दिए हुए हैं जो जो है आपके। तो ये ओपन करके देखते हैं एक बार, काफ़ी ब्यूटीफुल फ़ोन है। 48 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है आपका, और थोड़े दिन बाद मैं आपको इन दोनों का कंपेयर करके एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोग वेट के हिसाब से देखें तो मुझे को लग रहा है ऑलमोस्ट दोनों का वेट सेम है। और स्क्रीन में देखें तो MI का थोड़ा स्क्रीन साइज़ बड़ा है आपका। कैमरा क्वालिटी ऑलमोस्ट दोनों का 48 मेगापिक्सल है। थोड़े दिन आफ्टर वन वीक हम लोग दोनों का रिव्यू करेंगे कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है परफॉर्मेंस वाइज, लुक वाइज अगर आप देखें तो दोनों में मेरे को नंबर अगर मैं दूँ तो MI को 9 नंबर्स दूँगा, इसको 8 नंबर्स दूँगा लुक वाइज, क्योंकि पीछे से अगर आप लुक देखें तो MI का काफ़ी बेटर लुक है, प्रीमियम क्वालिटी का लुक है MI का। और थोड़े दिन में हम लोग एक बार करेंगे इसका रिव्यू। सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।